नहीं कभी भी नहीं करेंगे, वो जो हमारे काम चल रहे हैं वो हमारे वो रुकवा देते हैं, तो कैसे हमें मतलब कहेंगे कि पाकिस्तान आगे आए। और इंडिया में मोदी की बहन चारा भाई चारा एक अलग बात होती है यार, मैं तेरे लिए काम तो कर सकता हूँ। तो दिखाने के लिए कर रही हूँ कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ पाकिस्तान वाले इस तरह हमारे एक बुरे खिलाफ बोलते हैं ये वो, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा इंडिया वाले कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि इंडिया बिना किसी फायदे के खुद के हमें सपोर्ट करेगा? अभी इसे करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम वहाँ पे भी जाएंगे तो हमें वहाँ पे भी लोग कहेंगे कि ये लोग तो अच्छे नहीं हैं, इन लोगों को सीट्स नहीं देनी, इन लोगों को कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल वो अपने आप को क्यों फॉर ग्रांटेड रख के हमारी बात करेंगे, और जाहिर है कोई फ़ायदा नज़र आता है तो बात करेंगे, फिर कह देंगे फिर कश्मीर की तरह बलोचिस्तान का रोना डाल देंगे। दोस्तों, ब्रिक्स की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान के लिए एक फेवर किया है जो पाकिस्तान शायद कभी नहीं करता, और ना वो कभी सोच भी सकता है कि भाई इस तरीके का कुछ वो इंडिया के लिए करेगा, क्योंकि बाप बाप ही होता है। और दोस्तों इंडिया ने पाकिस्तान के लिए जो फेवर किया है वो ये है कि ब्रिक्स का जो पूरा ब्रिक्स में जितने भी मेंबर हैं उन मेंबरों में पाकिस्तान को भी सीट दी जाए, यानी कि पाकिस्तान को भी मेंबर बनाया जाए, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पाकिस्तानों की मतलब पाकिस्तानियों के अंदर तो एक खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि दोस्तों इससे बहुत कुछ बदल जाएगा और जो पाकिस्तान है उसके हालात भी सुधर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रिक्स है वो आपस में बहुत सारे जो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रेड को लेकर और अपनी जो विदेश नीति को लेकर, तो उसमें पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इसको लेकर पाकिस्तानियों के ओपिनियन देखते हैं, क्या ओपिनियन मतलब पाकिस्तानी लोग मोदी से खुश हैं या फिर अभी भी उनके मन में वही जहर भरा हुआ है। नहीं करेगा, इंडिया ने तो आज तक हमें कभी सपोर्ट नहीं किया, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है जिस तरह के हमारे रिलेशन रहे हैं इंडिया के साथ और पाकिस्तान के साथ शुरू से, उन्होंने कभी भी हमें किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं किया, इवन के अगर जो भी हमारे खिलाफ कुछ होने लगता है वो उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, किसको फॉर एग्जांपल किसको सपोर्ट किया? फॉर एग्जांपल जैसे अभी फ़लस्तीन और इसराइल का ही देखने चल रहा है, तो वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। और फ़लस्तीन की अनलिमिटेड मदद भी की उन्होंने इंडिया ने? अच्छा, इस बात का मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि वो हमें सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रिक्स की मीटिंग के लिए? नहीं कभी भी नहीं करेंगे, वो जो हमारे काम चल रहे हैं वो हमारे वो रुकवा देते हैं, तो कैसे हमें मतलब कहेंगे कि पाकिस्तान आगे आए और इस तरह से उनके बराबर में खड़े होके कोई मीटिंग अटेंड करे। कौन से काम रुकवाए उन्होंने हमारे? ज़्यादा लेकिन ये है कि शुरू से जैसे उनका पार्टीशन के टाइम से हमारे जैसे इंडिया के साथ ताल्लुकात रहे हैं, तो इस तरह अच्छे नहीं रहे वो, का बहुत ज़्यादा ही ख़राब ताल्लुकात हमारे सबसे ज़्यादा ही इंडिया के साथ रहे हैं, तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि कभी वो इस तरह से सपोर्ट करेंगे पाकिस्तान को, और आगे भी कोई उनका नहीं लगता कि वो करेंगे। लेकिन उन्होंने हमारा काम कौन सा ख़राब किया? बताओ। सवाल में ही जवाब है। आपने कहा बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर जा रहे हैं, हमारे लीडर बड़े हैं। हाँ, और जिन लीडर की बात की जा रही है वो लीडर है। अगली बात आपने कही इंडिया में मोदी की बहन चारा भाई चारा एक अलग बात होती है, यार मैं तेरे लिए काम तो कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, बाकी देखी जाएगी। वो काम कब होना है के बाद में कोई डिनर है कोई खाने के बाद। अच्छा, एक बात याद आई, वो ना एक साथ वाला ना कंट्री में एक बंदा है, क्या नाम है? हाँ वही 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 जो लीडर है, उसको ज़रा है तो उसका भी नाम ऐड हो जाएगा। अच्छा नहीं हो सकता, ओए ठीक है मैं कह दूंगा। तो ये तो वो वाली बात है। अच्छा, ये वैसे ही होगा? ऐसे ही होगा। आप मतलब वो हमारे मामे चाचे तो नहीं लगे हुए कि लाइक वो हमारे लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, पहले भी पाकिस्तान ने जब कहा था ना कि हमें मेंबरशिप चाहिए, इंडिया ने कहा देखो इनके कंट्री में बड़ी अनस्टेबिलिटी है, तो ये ब्रिक्स के मेंबर बनकर क्या करेंगे? उनकी इस बात में सच्चाई थी या नहीं थी? किन के बारे में कहा था? पाकिस्तान हमारे बारे में। तो मुझे ये बताएं हमारे पास अपना है क्या कर्जाई? हाँ मैम, अगर उनसे हमें कहा जाएगा कि जी लीडरशिप दें तो वो हमें चले चांस भी दे देते हैं, हमने उनको कहना है ये ज़रा कमी बेशी करके थोड़ा कर्जा मिल जाएगा। ये बात तो वैसे सच है, हार्श है लेकिन ये सच है। तो उन्होंने वहाँ पे भी जाके पैसे ही मांगने, जहाँ जाते हैं मुँह खोल के हाथ झोली फैला के पैसे मांगते हैं, जब पैसे ही मांगने तो वो कोई क्यों हमें मुँह लगाएगा, आप मुझे ये बताएं। लेकिन इंडिया जो है वो ब्रिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर है, और आपको पता है रशिया इस वक्त होस्ट कर रहा है ना ब्रिक्स को, तो रशिया के जो इंटरेस्ट हैं वो इंडिया के इंटरेस्ट से जुड़े हुए हैं। अगर इंडिया वहाँ जाकर हमें सपोर्ट करता है तो इनके समय मेंबरशिप मिल भी सकती है। मैंने वही बात की, मामे चाचे तो हैं नहीं कि हमें सपोर्ट करेंगे।
दूसरी बात, आजकल मामा चाचा भी नहीं करता सपोर्ट, ठीक है? वो अपने आप को क्यों फॉर ग्रांटेड रख के हमारी बात करेंगे? और जाहिर है कोई फ़ायदा नज़र आता है तो बात करेंगे, फिर कह देंगे फिर कश्मीर की तरह बलूचिस्तान का रोना डाल देंगे, और दूसरी तरफ कहेंगे नहीं हम तो आपको दुनिया में जाके सपोर्ट कर रहे हैं। जब यहाँ पे मेन इश्यूज़ की बात आती है वहाँ पे तो उनकी कोई सपोर्ट नज़र नहीं आती। ठीक है, इनको सपोर्ट करनी, सपोर्ट तो उनसे ली जाती है ना जिनके साथ कोई इख्तलाफ नहीं होता। क्या इंडिया के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा? इंडिया के साथ इख्तलाफ तो बहुत है, वैसे है तो सही और आगे, लेकिन इंडिया के साथ इख्तलाफ तो हम करने वाले तब बने ना कि हमारे अपने पल्ले कुछ हो, हमारी अपनी साइड पे कुछ है नहीं और हम उनसे कह रहे हैं कि ज़रा हमारी सिफारिश कर दे। हमारा जो आज़ाद कश्मीर हमारा हिस्सा, वो हमसे बगावत कर रहा है, जो बलूचिस्तान है वो बगावत कर रहा है, हमारे मुख्तलिफ हिस्सों में तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अफगानिस्तान, आप अफगानिस्तान को ले लें, अफगानिस्तान को हमने बीच में अपनी बहन बना के रख लिया, लेकिन जब कश्मीर की बात आती है, जब बलूचिस्तान की बात आती है, हमारे अपने हैं लेकिन हम उनके साथ क्या करते हैं? दूसरी बात यह है कि अगर आप कश्मीर की बात करते हैं, वो हमसे क्यों ना बागी हों? क्या जब उनके वहाँ पे कोई चीख उठती है तो क्या हम उनके लिए कुछ कर पाते हैं? क्या हम लोगों का जब यहाँ पे बलूचिस्तान की आवाज़ आती है, किसी ने आज तक आके न्यूज़ चैनल्स में भी कहा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पारा चिनार में क्या हो रहा है? मुँह बंद क्यों है? इनकी अपनी नहीं है, ये अपनों के सगे नहीं है तो इन लोगों ने दूसरों के सगे बनना है। कश्मीर को ज़ुबानी कलामी कह देते कि जी हम कश्मीर डे बनाएंगे, हम बलूचिस्तान सॉलिडारिटी डे, अगर कोई कह दे कि बलूचिस्तान को अलहदा करना है, एससी की टैसी बलूचिस्तान को अलहदा करना, लेकिन क्या उसको बचाने की भी कोई कोशिश हुई है? वहाँ के बच्चों के, वहाँ के लोगों के, आप लोगों ने कभी बातें सुनी भी हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं? हर जगह जाके फौज को घुसा देते हैं, हर चीज़ में जाके फौज ने अपनी मनमानी की हुई है, तो आप किस बात का कहते हैं कि जी ये पॉलिटिशियंस हैं और ये जी हमारे कुछ करता धड़ता हैं? मुझे नहीं लगता है इंडिया ऐसा करेगा, वो हमारा पहले से इतना बड़ा दुश्मन है, हर इतना बड़ा हर मूवीज़ में इनके इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ चल रही होती है, तो आप बिल्कुल मुझे नहीं लगता करेगा वो, नहीं लगता नहीं। लेकिन अगर कर दिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी पुरानी दुश्मनी एकदम से ख़त्म हो जाए? नो, आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। इतनी पुरानी दुश्मनी के होते हुए वो रिसेंटली हमारी कंट्री में भी आए इस्लामाबाद के अंदर एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और ये एक बड़ा अच्छा पैगाम था, हालांकि हमने उनका वेलकम भी नहीं किया अच्छे से, लेकिन वो फिर भी अच्छी इखलाकी से यहाँ रहे और गए भी बहुत अच्छे तरीके से, तो वो हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? ऐसा हो सकता है कि वो बाकी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हों कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, सिर्फ पाकिस्तान वाले इस तरह हमारे बुरे खिलाफ बोलते हैं ये वो, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा इंडिया वाले कर सकते हैं। यानी कि अगर वो हमारे साथ कुछ अच्छा भी करेंगे तो दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे। एग्जैक्टली। इतनी नेगेटिविटी हम क्यों सोचते हैं? वो बचपन से बिल्डअप हुई होती है नेगेटिविटी के, इंडिया पाकिस्तान अब मैच देख लें, क्रिकेट मैच देख लें, हम उसमें कहते नहीं, चाहे इंडिया बहुत अच्छा खेलता हो, उनकी पास हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, लेकिन हम लोग कहते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान जीतना चाहिए जैसा मर्जी हो, लेकिन आई डोंट थिंक सो ऐसा कभी होगा। फ्यूचर में भी हो सकता है हो जाए, जब हमारे हम लोग पढ़ लिख जाएँ, हम लोग में शऊर आ जाए इस चीज़ का, ऐसा हो सकता है जब इंडिया वाले वहाँ के बच्चे पढ़ें और अच्छा उनको पता चल जाए कि ऐसा दुश्मनी नहीं अच्छी, तो आई थिंक सो तब हो सकता है, बट अभी आई डोंट थिंक सो कि वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे किसी भी चीज़ से। अच्छा मुझे यहाँ पर ये बताओ, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, हमारी तरफ से कोई हेट नहीं होगी, क्या वो दिखावा था दुनिया को दिखाने के लिए? हम नहीं कर सकते दिखावा, आए हम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, हम नहीं कर सकते, बिकॉज बात हो जाती ना इस्लाम की, इस्लाम हम लोग कहते हैं कि सच बोलना है, ठीक है, तो हम इस्लाम फॉलो करते हैं, हम तो करते हैं फॉलो, बाकी का नहीं मुझे पता। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता, डेली बेसिस पर इतनी करप्शन होती है, कोई भी नहीं करता, झूठ पे झूठ, आप ऑफिशियल लेवल पर देख लें, आवाम को देख लें, हर तरफ ही करप्शन है, तो हम कैसे कह सकते हैं हम इस्लाम को फॉलो करते हैं? अगर एक बंदा ठीक होगा तो मुझे लगता है कि बाकी लोग भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते जाएंगे। अच्छा ये बताओ, ब्रिक्स जो मीटिंग चल रही है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार ही इंडिया का है, अगर वो वहाँ खड़े होकर हमें सपोर्ट करते तो हमें मेंबरशिप मिल सकती है? मुझे नहीं लगता मेंबरशिप मिल सकती, क्योंकि वो हमारे खिलाफ पहले से ही है, वो हमें कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमें हमारे हमें सपोर्ट करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। I don't think so, ऐसा हो। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कर दिया, अच्छा फिर मुझे लगता है कि अगर वो हमें करेंगे भी तो हमें अगर वहाँ पे जो हम पाकिस्तानी होंगे ना कुछ कर ही जाएंगे, मतलब कहाँ पाकिस्तानी कि हम लोग को वो कर कहेंगे कि हम लोग अगर अभी देखें आप कि हम लोग अभी इसे करप्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम वहाँ पे भी जाएंगे तो हमें वहाँ पे भी लोग कहेंगे कि ये लोग तो अच्छे नहीं हैं, इन लोगों को सीट्स नहीं देनी, इन लोगों को कुछ नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे सीट्स होती हैं, ठीक है, तो वो कहेंगे इनको सीट्स नहीं देनी, इनको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी है, ये हमें एंड पे धोखा दे देंगे। मेंबरशिप होती है तो क्या हम ऐसा नहीं करते? नहीं करते हम लोग।
पक्का? हाँ पक्का, नहीं होगा। ये हमारे जो दोस्त कंट्रीज है वो भी हमें कहते हैं क्या ये करप्शन करते हैं, तभी तो वो हमें सीट्स नहीं देंगे, तभी हम मेंबरशिप नहीं देंगे हमें, वो क्यों देंगे फिर हमें। अच्छा, कुछ अर्सा पहले जब पहली बार पाकिस्तान ने बोला था कि हमें मेंबरशिप चाहिए, इंडिया ने कहा ये तो इतनी अनस्टेबिलिटी है, स्टेबल नहीं है, ये क्या करेंगे वहाँ ब्रिक्स की मीटिंग क्या करेंगे, लोग हमें क्यों प्रमोट करेंगे, हमें क्यों हमारा सपोर्ट करेंगे, जब वो बात ही ऐसी कर रहे हैं तो नहीं करेंगे वो। हम क्या प्रेजेंट करेंगे वहाँ पर जाकर अगर हम मेंबर बन भी जाते हैं तो? हम वहाँ पर जाके अगर फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमें अपने आप को सॉलिड रखना चाहिए, हमें अपने इरादों पे पक्का रहना चाहिए। और जो कौन से इरादे? मतलब पाकिस्तान को अच्छा वो करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, कि हमें पाकिस्तान को और अच्छे से अच्छा उनको आगे बढ़ाना, जो हमारे यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं उसको ख़त्म करके, जैसे सियासत की जो चल रही हैं, पीटीआई नून लीग चल रहा है, उसको ख़त्म करके हमें एक बन के हमें उनसे उस चीज़ के लिए लड़ना चाहिए। आपको पता है साउथ अफ्रीका की बहुत हेल्प की इंडिया ने और उनको बड़े इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स में भी शामिल करवाया, उसके अलावा उनकी काफ़ी हेल्प भी की, बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनकी इस वक्त हेल्प इंडिया कर रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? जब इतनी बड़ी बड़ी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं हो सकते? क्या वो हमारे वेल विशर हैं या नहीं है? अगर वो बाकी लोगों की करें तो वो हमारी भी कर सकते हैं, आई थिंक सो। वो हमारे वेल विशर हैं अब तो ये वही जानते हैं, क्योंकि जो वो मंसूबे बनाते हैं, जो हम लोग मंसूबे बनाते हैं, वो तो अब वो तो सियासत वाले या बड़े बड़े लोग ही जाने, हम उसमें क्या कमेंट कर सकते हैं। वो इतनी अहम अहम ब्लॉक्स का हिस्सा क्यों है? मतलब देखें ना, इस वक्त रशिया इसको होस्ट कर रहा है और रशिया के इंटरेस्ट इंडिया के इंटरेस्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह है क्योंकि जब हमारी आज़ादी से पहले भी थे ना तो इंडियंस काफ़ी एजुकेटेड थे, वो स्टार्टिंग से ही एजुकेशन की तरफ ज़्यादा थे, और पाकिस्तानी आपस में ही लड़े थे कि हमारी लैंग्वेज ये होनी चाहिए, हमारा ये होना चाहिए। तो अगर वो इतने एजुकेटेड थे उस टाइम से ही, तो हमें भी चाहिए था कि हम भी उस टाइम पर एजुकेशन अडोप्ट करते, इसलिए वो अभी तक अब हमसे तो बहुत ऊपर है, वो हमसे ट्रिपल एक्स मुझे लगता है हमसे वो ज़्यादा हैं, वो अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। सो गाइस, वीडियो देखकर आपको कैसा लगा आप अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी रीच बढ़े और लोग भी हमारी वीडियो देखकर एंटरटेन हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।